हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं घर्षण। फ्रिक्शन या घर्षण बहुत ही कॉमन टर्म है जिसके बारे में हम सबको कुछ ना कुछ पता होता है। तो बेसिकली घर्षण या फ्रिक्शन किसे कहते हैं, अगर हम इसके परिभाषा में जाते हैं तो फ्रिक्शन को हम कहेंगे इट इज़ अ सरफेस रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वन बॉडी टू अनदर ड्यूरिंग रिलेटिव मोशन। मतलब हम सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं कि यदि कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी पर रिलेटिव मोशन करता है या सापेक्षित गति करता है, तब एक बॉडी के सतह से दूसरे बॉडी के सतह पर एक रेजिस्टेंस फोर्स जनरेट होता है जो उस गति को रोकने की कोशिश करता है, अपोज करने की कोशिश करता है, और उसी चीज़ को कहा जाता है घर्षण या फिर फ्रिक्शन। मीन्स यहाँ पर जो की टर्म है हमारा एक सरफेस रेजिस्टेंस, इससे ये समझ में आता है कि जो वैल्यू जो होगा वो सतह में लगेगा और सतह के द्वारा ही अपोजिंग फोर्स क्रिएट करेगा। रेजिस्टेंस का मतलब ही क्या होता है, जो गति को रोकने के लिए लगाया जाए। तो हमें ये समझ में आया कि पहली चीज़ कि वो सतह पे काम करेगा और दूसरी चीज़ वो क्या होगा, एक फोर्स होगा जिसे हम क्या कहेंगे, बल। पहली बात ये समझ में आया। दूसरा ये कहना चाह रहा है रिलेटिव मोशन, कब, रिलेटिव मोशन के समय। रिलेटिव मोशन हम इसको दो तरीके से कह सकते हैं, एक जब मोशन हो रहा होगा तब, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जब मूविंग कंडीशन होगा, या दूसरा जब वो मूव करने की कोशिश कर रहा होगा। ध्यान देंगे, जब वो गति कर रहा होगा या फिर वो गति करने की कोशिश कर रहा होगा, दोनों कंडीशंस को हम रिलेटिव मोशन के अंदर काउंट करेंगे घर्षण के लिए। कोई भी बॉडी गति कर रहा है या कोई गति करने की कोशिश कर रहा है। अब हम ये समझेंगे कोई ऑब्जेक्ट गति करने की कोशिश कैसे कर सकता है। न्यूटन का पहला नियम, लॉ ऑफ इनर्सिया, ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस स्टेट पे है या जिस अवस्था में है, वो हमेशा उसी अवस्था में बने रहना चाहता है जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। मतलब कोई बॉडी यदि गति कर रहा है तो वो कंटिन्यू गति ही करता रहेगा जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। या फिर कोई बॉडी जब स्थिर अवस्था में होगा, स्टैटिक कंडीशन में होगा, तो वो गतिशील नहीं होगा जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। मतलब मूविंग कंडीशन हो या ट्राई टू मूव वाली कंडीशन हो, दोनों केस में एक कॉमन चीज़ ये है कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होगा। जिसे हम हिंदी में कहेंगे बाह्य बल। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि फ्रिक्शन क्या है, एक बल है। कैसा बल है, जो सतह में लगता है, और कैसा उसका नेचर कैसा होता है, रेजिस्टिंग होता है। एक ऐसा बल जो सतह में लगता है, जो रेजिस्टिंग होता है, रेजिस्टिंग नेचर, नेगेटिव नेचर का होता है। कब लगता है, जब दोनों सतहों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। रिलेटिव मोशन में हम क्या कह सकते हैं, जब वो गति कर रहा होगा तब भी, और जब वो गति करने की कोशिश कर रहा होगा तब भी। वो गति करने की कोशिश कब करेगा, जब उसमें कोई बाह्य बल लगाया जाएगा। अब हमें ये समझ में आ रहा है कि घर्षण कब होगा, जब उसमें बाह्य बल लगाया जाएगा। बाह्य बल लगाने से ही किसी ऑब्जेक्ट में या तो गति होगा या तो फिर वो गति करने की कोशिश होगा। तो क्लियरली हमें यह समझ में आ रहा है कि घर्षण के लिए क्या ज़रूरी है, एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ता है। हमने यहाँ पर देखा कि घर्षण है क्या, एक फोर्स है। तो फोर्स है तो उसका यूनिट क्या होगा, यूनिट अगर हम इसको देखते हैं एमकेएस सिस्टम पे, एमकेएस सिस्टम एंड एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम भी होगा। मेनली अगर हम देखते हैं एमके सिस्टम और एसआई सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है,
मैट्रिक सिस्टम के अंतर्गत यदि हम देखते हैं तो फोर्स का जो यूनिट होगा इसको हम लेते हैं केजीएफ में, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, मतलब क्या होता है किलोग्राम फोर्स। लेकिन इसी चीज को यदि हम एसआई में देखेंगे तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यूटन से। तो क्वेश्चन में कहीं पर अगर केजीएफ लिखा है इसका यह मतलब नहीं कि वो क्वेश्चन गलत दिया है, या उसका मतलब वहां पे हमें 9.8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं, वहां पर भी वो बल का ही वैल्यू दिया है या फोर्स का ही वैल्यू दिया है, लेकिन यूनिट किस में है, एम के सिस्टम में। और वैसे ही अगर एस आई सिस्टम में देगा तो वहां पर यूनिट न्यूटन होगा। एक और ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह तो हो गया फोर्स का, लेकिन जो वेट होता है बल या सॉरी भार जिसे कहते हैं, भार जो होगा इसका एम के सिस्टम में यदि हम देखते हैं तो इसको हम केवल किलोग्राम लिखते हैं, जबकि एसआई सिस्टम में इसको हम न्यूटन लिखते हैं। तो हमें यह पता है कि जो भार जो होता है वो हमारे एमजी के बराबर होता है, मतलब वो भी हमारे फोर्स के इक्विवेलेंट होता है। तो कुछ क्वेश्चन में वो केजीएफ ना लिख के डायरेक्टली केजी भी लिख देता है, तो जैसा क्वेश्चन दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हायर इंजीनियरिंग क्लासेस में तो हर बार ऐसा यूनिट ही देता है जहाँ पे हमें न्यूटन लेकर ही उसको सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन आईटीआई में जो क्वेश्चन आएंगे वो केजीएफ से भी आते हैं और डायरेक्ट डायरेक्ट केजी से भी आते हैं। तो हम उसको डायरेक्टली फोर्स की जगह पर ही हम डायरेक्ट केजी में जो वैल्यू दिया जाएगा उसको पुटअप करके निकाल सकते हैं। तो ये तो था हमारा फ्रिक्शंस के बेसिक डेफिनेशंस के बारे में। अब यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि घर्षण क्यों लग रहा है, इसके बारे में जवाब। अभी तो हमने ये देखा कि घर्षण होता क्या है, हमें समझ में आया कि वह एक बल है जो सतह पे लगता है, जो निगेटिव नेचर का होता है, जो अपोजिंग नेचर का होता है, और कब लगता है, जब रिलेटिव मोशन होता है। लेकिन घर्षण लगता क्यों है या घर्षण उत्पन्न क्यों होता है, तो इसके पीछे का कारण क्या है, नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस या सतह की प्रकृति कहने का मतलब क्या है, उसका नेचर का खुरदुरापन, रफनेस। जो खुरदुरापन होता है उसके चलते ही घर्षण बल उत्पन्न होता है। अब खुरदुरापन किस में होगा, हो सकता है कि दोनों सतहों में हो सकता है कि एक सतह जो है वो खुरदुरा हो और दूसरा थोड़ा चिकना हो। मतलब हमें डायरेक्ट ये समझ में आता है कि यदि खुरदुरापन जो है अगर ज़्यादा होगा, मीन्स रफनेस यदि ज़्यादा होगा, इस केस में क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। यदि चिकनापन होगा, रफनेस कम होगा, रफनेस कम है क्या मतलब हुआ कि वो सतह चिकना है, अगर चिकना है इसका मतलब उसमें फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो कम होगा। ये तो था उसका कारण। अब आते हैं उसके टाइप में, प्रकार क्या है घर्षण के, प्रकार क्या है। हमने परिभाषा से ही देखा कि रिलेटिव मोशन जब होगा तब घर्षण जनरेट होता है, और रिलेटिव मोशन, मोशन में क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, एक मूविंग और एक ट्राई टू मूव, मतलब यहाँ पर वो गतिशील अवस्था में तो नहीं है। मतलब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक जब वो गतिशील अवस्था में ना हो उसे हम कहते हैं स्टैटिक, हिंदी में कहेंगे स्थैतिक। दूसरा होगा डायनामिक, डायनामिक या फिर इसे कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। जी गतिशील अवस्था में होगा। और तीसरा होता है रोलिंग, हम देखते हैं कि क्लासिफाई किया गया है फ्रिक्शंस को तीन टाइप में। पहला स्टैटिक,
दूसरा डायनेमिक, जिसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं, और तीसरा है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। मतलब उसमें जिस अलग अलग तरीके से मोशन होता है, रिलेटिव मोशन जिस तरीके से होगा उसके बेसिस में इसको क्लासिफाई किया गया है। पहला कंडीशन स्टैटिक कंडीशंस, कहने का मतलब ये है कि यदि ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई तो हो रहा है, मीन्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई तो हो रहा है, लेकिन इसमें मोशन नहीं है, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर गति नहीं है, तब की कंडीशन में जो बल सॉरी जो घर्षण बल उत्पन्न होगा उसे हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकंड कंडीशन क्या है? डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शन। नाम से ही समझ में आता है, डायनेमिक मीन्स जिसमें गति होगा, तो बाह्य बल लगाने से जिसमें गति आ जाता है, मीन्स जो गति कर रहा होगा उसको हम बोलेंगे डायनेमिक या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन। अब गतिशील गति भी दो तरीके से होता है, एक होगा ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेटरी मोशन, मतलब वो कुछ इस तरीके से मूव कर रहा होगा, तब की कंडीशन पे हम क्या बोलेंगे उसको? डायनेमिक। लेकिन एक और मूव करने का तरीका क्या होता है? रोलिंग। रोलिंग कहने का मतलब ये है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी एक अक्ष पे घूम रहा हो, जैसे कि हमारा फैन, ये किसी एक पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा होता है, एक अक्ष के अबाउट घूम रहा होता है, ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं? रोलिंग। तो इस केस में जो बेरिंग, यहाँ पर जो फ्रिक्शन जो जनरेट होगा, जहाँ पर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट पे है वहाँ पर जो फ्रिक्शन जनरेट होगा उसे हम बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। तो तीन टाइप से हो गया, पहला जब उसमें गति नहीं था लेकिन वो गति करने की कोशिश कर रहा था, उस कंडीशन को स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। दूसरा होगा गतिशील अवस्था, जब ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा होगा तब की केस में डायनेमिक फ्रिक्शन काम करेगा। और तीसरा कंडीशन, जब अपने ही अक्ष पे वो घूम रहा होता है, मीन्स रोल कर रहा होता है, उस कंडीशन पे बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये तो हो गए तीन टाइप। अब बात आती है कि इन तीनों में फ्रिक्शन का वैल्यू ज़्यादा किस में होगा? फ्रिक्शन का वैल्यू ऑब्वियसली स्टैटिक में सबसे ज़्यादा होता है, मतलब हम देखें तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा वो ज़्यादा होगा डायनेमिक फ्रिक्शन से और रोलिंग फ्रिक्शन से, क्योंकि डायरेक्टली समझ में आता है कि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स जो है वो ज़्यादा है, इसीलिए इसमें गति नहीं हो पा रहा है। मीन्स हम जो बल लगा रहे हैं, हम जो बाह्य बल जो उसमें लगा रहे हैं, उस बल की तुलना में फ्रिक्शन फोर्स जो है वो ज़्यादा है, जिसके चलते इसमें गति नहीं हो पा रहा है। जैसे ही उसमें गति होता है फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो कम हो जाता है, इसीलिए हम देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट यदि कहीं पर रखा हुआ है उसे वहां से खींचना ज़्यादा मुश्किल होता है, बजाय अगर कुछ चीज़ ऑलरेडी खींचा जा रहा है उसको खींचना। थर्ड केस है रोलिंग। रोलिंग में सबसे कम फ्रिक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे एरिया ऑफ कांटेक्ट जो रहता है वो बहुत कम रहता है और अपने ही अक्ष पे वो घूमता है। तो कभी अगर ये क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा? स्टैटिक ज़्यादा होगा, उसके बाद काइनेटिक होगा, और उसके बाद फिर रोलिंग फ्रिक्शन होगा। तो मुख्यतः फ्रिक्शंस को जो क्लासिफाई किया गया है वो तीन तरीके से किया गया है। स्टैटिक का ही एक और कंडीशन बनता है जिसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये किसका टाइप होगा? स्टैटिक का ही एक टाइप होगा जिसे हिंदी में कहते हैं सीमांत घर्षण। लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक और डायनेमिक के बीच का कंडीशन है। बीच का कंडीशन कहने का मतलब ये है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट में अगर हम बाह्य बल लगा रहे हैं, तब इसको अपोज करने के लिए एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। जैसे जैसे हम बल लगाते जाते हैं वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स का भी मान बढ़ता जाता है। मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट को यदि हम धक्का देने की कोशिश करते हैं, तो उसमें चेंज को रोकने के लिए उसका जो सतह है वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है, और वो फ्रिक्शन फोर्स का भी मान बढ़ता जाता है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दोनों बराबर होंगे। एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पर जितना फ्रिक्शन फोर्स है या जितना हम बाह्य बल लगा रहे हैं उतना ही फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, और उस स्टेज
को जैसे ही हम क्रॉस करते हैं, मीन्स उसके बाद जैसे ही हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोर्स और अप्लाई करते हैं, इसमें गति स्टार्ट हो जाता है। मीन्स लिमिटिंग फ्रिक्शन कब काम कर रहा होता है? वर्ज ऑफ मोशन पे, मीन्स जिसके बाद जिसके जस्ट बाद गति स्टार्ट होने वाला होता है, उस वक्त जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है ऑब्जेक्ट के सतहों के बीच में, उस चीज़ को कहा जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। मीन्स हम डायरेक्टली ये मान के चलेंगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में क्या होता है, जो बाह्य बल होगा और जो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो दोनों बराबर होते हैं। जस्ट उसके बाद जो फोर्स जस्ट उसके बाद यदि हम और कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे ही उसमें मोशन स्टार्ट होता है, उस कंडीशंस पे जो फ्रिक्शन काम करेगा उसे ही हम कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन सीमांत बल जो होगा, शॉर्ट पे अगर हम लिखें तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, एंड देन उसके बाद फिर डायनेमिक फ्रिक्शन का मान होगा, और उसके बाद फिर रोलिंग फ्रिक्शन का होगा। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन का। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब हम कुछ नियम को देखते हैं, लॉ ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, घर्षण के नियम। पहला नियम ये कहता है कि जो भी घर्षण बल होगा वो गति के विपरीत दिशा में काम करेगा। पहला नियम क्या कहता है? कि घर्षण बल जो होगा हमेशा गति के विपरीत दिशा में काम करेगा। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन पे काम करेगा, ऑपोजिट टू मोशन, पहला ये कहता है। अब हमें यह भी पता होता है कि कभी भी जो गति जो होगा वो किस कंडीशन किस डायरेक्शन पे होगा। मोशन का डायरेक्शन क्या होगा? जिधर अप्लाइड फोर्स होगा, मीन्स बाह्य बल जिस डायरेक्शन पे लगाया जाएगा। मीन्स हम मान लो एक ऐसा केस लेते हैं, अगर इस दिशा में बल लगाया जा रहा है, बाह्य बल यदि इस दिशा में लगाया जा रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट में जो गति होगा वो भी इसी दिशा में होगा, और अगर गति इस दिशा में होगा तो इस गति के विपरीत दिशा में हमारा फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। तो पहला नियम यही कहता है कि मोशन जिस दिशा में होगा उस दिशा के ऑपोजिट में काम करेगा फ्रिक्शन फोर्स, पहला। दूसरा कंडीशन, अच्छा कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स जिधर होगा या एक्सटर्नल फोर्स जिधर होगा उसी डायरेक्शन में हमारा गति करेगा, एक कंडीशन ये है। तो हम डायरेक्टली इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो एक्सटर्नल फोर्स के उल्टे में काम करेगा, मतलब इसके भी उल्टे में ये काम करेगा, इसके भी उल्टे में काम करेगा। नियम क्या कहता है? इसके गति के विपरीत दिशा में काम करेगा। कुछ केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जब एक इंसान चलता है, जब कोई मनुष्य चलेगा या कोई जानवर जब चलता है, जब वो चलने के लिए आगे बढ़ने के लिए, मान लो उसे इस डायरेक्शन पे गति करना है, इस डायरेक्शन में गति करने के लिए वो फोर्स अपने पिछले पैर में फोर्स अप्लाई करेगा पीछे की ओर, न्यूटन के तीसरे नियम के तहत वो क्या करेगा, अपने पीछे वाले पैर से पीछे की ओर बल लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में जब बल लगाएगा तो इसके रिएक्शन के स्वरूप उसको मोशन किधर मिलेगा, अपोजिट डायरेक्शन पे। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, ऐसा केस तो फॉलो नहीं हो पा रहा है कि जिधर वो बल लगा रहा है और उसी दिशा में उसको गति मिले, यहां पर बल वो दूसरी दिशा पे लगा रहा है और गति उसको दूसरी दिशा पे मिल रहा है। अब यहां पर अगर हम इसके हिसाब से समझते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स यदि बल के हिसाब से बल के अपोजिट डायरेक्शन पे लगेगा तब यहां पे गलत हो जाता है। यहां पर क्या होगा, हमारा जो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स जो है इस डायरेक्शन पे लग रहा है, तो ऑब्वियसली जब फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स जब इस डायरेक्शन पे लगेगा तो फ्रिक्शन फोर्स जो है हमारा यहां पर लगेगा। अब यहां पे क्या हो गया, हमारा डायरेक्शन और फ्रिक्शन फोर्स, मींस ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते, ह्यूमन का जो डायरेक्शन है और फ्रिक्शन फोर्स का जो डायरेक्शन है वो एक हो जा रहा है। जैसे कि हमारा पहला लॉ क्या कहता है कि फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट टू मोशन,
तो इस वाले केस में क्या होगा, मोशन किसके ऑपोजिट मोशन पे काम कर रहा है, इसके पैर के ऑपोजिट मोशन पे, पैर पे जो बल लग रहा है उसके ऑपोजिट पे। लेकिन हम यह इसको कंसिडर कहाँ पे कर लेते हैं, टोटल बॉडी का। तो टोटल बॉडी जो है वो आगे की ओर जा रहा है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स टोटल बॉडी के कारण नहीं, फ्रिक्शन फोर्स किसके कारण लग रहा है, इस पैर में जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है उसके चलते, उसके ऑपोजिट पे काम करता है। तो ये तो था पहला नियम। दूसरा नियम इसका ये कहता है कि फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड नहीं करता एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पर। कहने का मतलब यह है कि दो सतह जब एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट पे होते हैं तो उनके कॉन्टेक्ट के हिसाब से निर्भर नहीं करता कि उसमें फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा। वो निर्भर किस पर करता है, वो निर्भर करता है नेचर ऑफ सरफेस पर। मतलब सतह की प्रकृति पे फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करेगा, कि सतह खुरदुरा है तो फ्रिक्शन फोर्स या घर्षण बल ज्यादा होगा, सतह यदि चिकना है तो वहां पर घर्षण बल कम काम करेगा। तो ये तो हो गया दूसरा नियम। तीसरा नियम इसका कहता है कि फ्रिक्शन फोर्स, यदि मैं एफ से लिखता हूं, तो फ्रिक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स हमेशा कांस्टेंट होंगे। या फिर इसी को ऐसे तरीके से कहा जाता है कि सीमांत घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो आर के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के होता है। तो आर क्या है, आर है हमारा रिएक्शन फोर्स। या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आर किस सॉरी फ्रिक्शन फोर्स किस पर डिपेंड करता है, तो एक तो है कि वो नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है, वैसे ही वो किस पर डिपेंड कर रहा है, हमारा नॉर्मल फोर्स पे। नॉर्मल फोर्स को ही रिएक्शन फोर्स कहा जाता है। तो ये नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स है क्या, न्यूटन के तीसरे नियम के तहत यदि कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर जो बल लगाता है उसी के ऑपोजिट पे दूसरा बल पहले वाले बल पे सॉरी पहले वाले ऑब्जेक्ट पे बल लगाता है, उसको रिएक्शन फोर्स कहते हैं। तो यह ऑब्जेक्ट पहला इस सतह पर अपना वेट लगाएगा mg, तो इसी mg के बराबर ये जो दूसरी सतह है वो पहले वाले पर रिएक्शन फोर्स देगा। इसे नॉर्मल फोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सतह पर लंबवत होता है। मतलब सतह जैसा होगा उस पर हमेशा 90 डिग्री होगा, इसीलिए इसको नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं। मतलब यदि ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा होगा तो यहाँ पर जो रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन पे होगा, हालांकि हमारा अर्थ ये होगा। तो जिस सतह पर रखा है उस सतह पर 90 डिग्री बनाता है नॉर्मल फोर्स या फिर रिएक्शन फोर्स। जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं म्यू। तो एफ का फॉर्मूला बनता है म्यू इंटू आर। यहाँ पर म्यू क्या है, एफ हमें समझ में आया कि ये है फ्रिक्शन फोर्स, म्यू कहलाता है कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब घर्षण गुणांक। और आर हमारा रिएक्शन फोर्स या फिर लंबवत बल हम हिंदी में कह सकते हैं। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला हमने जनरेट किया, और वो क्या था, एफ इज इक्वल्स टू म्यू इंटू आर। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम पे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ये कहता है कि माना किसी ऑब्जेक्ट का वजन, यहाँ पे वो कह रहा है वजन, या मान लीजिए कहता है कि मास 50 kg है। उसने कहा कि इस ऑब्जेक्ट का जो द्रव्यमान है वो है 50 kg। मान लीजिए सतह पहला और सतह दूसरा दोनों के बीच में घर्षण गुणांक जो है वो है हमारा 0.2। तो इस पर हमें फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करना होगा।
फ्रिक्शन फोर्स कितना काम करेगा। फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करने के लिए हमें पता है कि सबसे पहली बात, सरफेस वन या ऑब्जेक्ट वन का वेट जाएगा नीचे की ओर सतह दूसरी पे, और इसी के ऑपोजिट बराबर मात्रा में ऊपर में लगेगा रिएक्शन। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर R बराबर कितना है, mg, m का वैल्यू दिया हुआ है 50 kg और g हमें पता है अप्रॉक्स 9.81, या फिर हम अप्रॉक्स इसको कितना ले सकते हैं 10। तो R का वैल्यू हमारा कितना हो गया 500 न्यूटन। आगे हमें फ्रिक्शन फोर्स, इस फॉर्मूले से हमें पता है कि फ्रिक्शन फोर्स बराबर क्या होगा, म्यू इंटू आर। तो म्यू का वैल्यू दिया है 0.2 और आर का वैल्यू दिया है 500 न्यूटन। सो विच इज इक्वल्स टू, हमारा वैल्यू हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे नेक्स्ट, ये हो जाएगा 2/10 इंटू 500 न्यूटन, विच इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन। तो अभी हमने इसको एसआई सिस्टम के अंतर्गत लिया है, मीन्स हमने इसके जो द्रव्यमान है उसको हमने केजी में लिया। ये केजी, द्रव्यमान का यूनिट केजी कब होता है, जब हम उसको एसआई पे लेते हैं। तो इसीलिए हमारा जो फोर्स जो आया, इसका इकाई भी हमको न्यूटन में मिला है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो निकला उसका भी इकाई हमको न्यूटन में मिला है। तो ये एग्जाम्पल था हमारा एफ इज इक्वल्स टू म्यू आर पर बेस्ड। अब हम देखते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट यदि दिया गया है जिस पर mg डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लगेगा और रिएक्शन फोर्स अपर डायरेक्शन पे लगता है, मान लीजिए कि इसमें अप्लाइड फोर्स P है और जिसके चलते फ्रिक्शन जो जनरेट होगा वो है F। जब लिमिटिंग का केस होगा, लिमिटिंग केस होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि जब संतुलन की अवस्था में होगा, इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे होगा, तो हमें पता होता है कि P जो रहता है वो F के बराबर होता है और वैसे ही R जो होता है वो mg के बराबर होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि क्षैतिज दिशा में जितने जो बल होंगे उनका कुल योग जो होगा वो शून्य होता है, इसीलिए ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण बराबर होते हैं। और नेक्स्ट केस हम ये कह सकते हैं कि उसमें जो वर्टिकल जो फोर्स रहते हैं उसका भी एल्जेब्रिक समेशन जीरो होता है, तो जिसके चलते R इज इक्वल्स टू mg मिलता है। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर ये जो F जो लग रहा है और R जो लग रहा है, हम कुछ इस तरीके समझेंगे कि मान लो कोई दो फोर्स काम कर रहे हैं F1 और F2। मान लीजिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे कोई दो फोर्स काम कर रहे हैं F1 और F2, तो ऑब्वियसली इन दोनों फोर्स का एक रिजल्टेंट इफेक्ट पड़ेगा इस डायरेक्शन पे। चूंकि इसका रिजल्टेंट इफेक्ट इस डायरेक्शन पे पड़ेगा और उस R का वैल्यू होता है अंडर रूट ऑफ F1 square plus F2 square plus 2 times F1 F2 cos theta। अब ये थीटा क्या है, रिजल्टेंट और F1 के बीच में जो कोण बनता है उसी का कॉस कंपोनेंट हम ले लेते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स ये R जो होगा वो होता है अंडर रूट ऑफ F1 square plus F2 square plus 2 times F1 F2 cos theta। मीन्स जो दो फोर्स जो लग रहे हैं उसका एक रिजल्टेंट इफेक्ट यहाँ पर काम करता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर यदि ये फ्रिक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट भी काम करेगा, और वो रिजल्टेंट फोर्स जो काम करेगा उसको यदि हम इस डायरेक्शन पर लिखते हैं, मान लीजिए हम इसको ऐसे बना लेते हैं, ये है हमारा रिएक्शन फोर्स और ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इधर पे हमको मिलेगा कैपिटल F। इस रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट किसका है, रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स F मिला, इसका और रिएक्शन फोर्स के बीच में जो कोण बनता है थीटा, उसी थीटा को हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। फिर से ध्यान से सुनेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स के परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स जो होगा इसका
और वापस इस रिएक्शन फोर्स के बीच में जो कोण बनेगा उसी कोण को कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये क्लियर हो रहा है? यहां पर हम वापस देख सकते हैं कि यदि ये कोण जो बन रहा है, अगर ये थीटा है, ये वाला वैल्यू हमारा आर है, ये एफ है, अगर इसी को कुछ इस तरीके से लिखें कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स एफ है, यदि मान लो हम इसको ट्रांसफर करते हैं यहां पर, तो ये हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स यहां, और ये वाला वैल्यू है हमारा थीटा। ये जो डायग्राम बन रहा है हमने यहां पे फिर से बनाया, ये रिएक्शन फोर्स है, ये उन दोनों का परिणामी बल लग रहा था, और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसको हमने उठाकर यहां पर रख दिया। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो ये हमारा क्या बन जा रहा है, ए बी सी एक त्रिभुज बन गया। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट लगाने के लिए हमें पता होता है कि यदि ये 90 का कोण बना रहा है और इसके साथ यदि यह थीटा लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो होगा हमारा बेस होगा, जिसको हम हिंदी में कहेंगे आधार, और जो 90 डिग्री बना रहा होगा ये कहलाएगा हमारा लंब। तो लंब और आधार का अगर हम रेशियो निकालें तो हमें मिलेगा टेन थीटा। हम कह सकते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या हो रहा है, एफ अपॉन आर। हमने सिंपली क्या किया था, इस एफ को यहाँ पे ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करने के बाद ये 90 का कोण बना रहा था, 90 का कोण और थीटा जहाँ पे जिस साइड में होता है उसे हम आधार कहते हैं, थीटा के विपरीत जो भुजा होता है उसको हम लंब कहते हैं, और लंब बटे आधार को ही हम टेन थीटा कहते हैं। तो टेन थीटा बराबर होगा एफ अपॉन आर, और हमने पहले ही फॉर्मूला जनरेट किया हुआ है, और वो ये है कि एफ बाई आर जो होता है वो किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर होता है, लॉ ऑफ फ्रिक्शन में हमने देखा था। इसका मतलब यहां पर भी एफ बाई आर बराबर म्यू, और यहां पर एफ बाई आर बराबर टेन थीटा। हम इन दोनों समीकरण से क्या कह सकते हैं कि टेन थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, म्यू के बराबर होगा। तो हम इन दोनों के बीच में संबंध निकाले, किसके बीच में, घर्षण कोण के बारे में और घर्षण गुणांक के बारे में। तो टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो किसके बराबर होगा, कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होगा। आगे हम इसी चीज़ को इस तरीके से भी पूछा जाता है, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स म्यू। तो ऑप्शन में कभी क्वेश्चन पूछता है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये थीटा है, थीटा बराबर टेन इनवर्स म्यू भी हम बता सकते हैं, या टेन थीटा बराबर म्यू भी बता सकते हैं, जैसा कि हमको एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट हमें देखना है एंगल ऑफ रिपोज, हिंदी में कहेंगे विश्राम कोण। अभी तक हम जो सतह जो देख रहे थे, जो सरफेस जो होता है, ये दो टाइप के हम लेके चलते हैं। एक क्या होता है हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस, समतल जो कुछ इस तरीके से बनता है, एक सतह और दूसरा ऑब्जेक्ट इस पे रखा हुआ है। नेक्स्ट होगा हमारा इंक्लाइन, इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन किस तरीके से होगा, ये है हमारा अर्थ, और उस पर एक ऐसा कोण बनाता हुआ सतह होगा जिस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा। तो कुछ इस तरीके का कंडीशन मिलेगा उसे हम बोलेंगे इंक्लाइन, और अगर डायरेक्ट डायरेक्ट सतह पर क्षैतिज अवस्था में रखा हुआ है तो उसको बोलेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन। एंगल ऑफ रिपोज जो है हमारा इंक्लाइन प्लेन में काम करता है कि मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसमें कोण थीटा बना हुआ है और ये ऑब्जेक्ट इस सतह पर रखा है। हम देखते हैं कि यदि हम इसमें कोई बाह्य बल ना लगाएं, बाह्य बल यदि हम नहीं लगाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम कोण का मान बढ़ाते जाते हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है या एक कोण ऐसा आता है जिस पर
ये ऑब्जेक्ट अपने आप नीचे की ओर स्लाइड करना स्टार्ट करता है। मीन्स हम क्या कह रहे हैं कि हम एक इंक्लाइंड सतह पे एक हमने ऑब्जेक्ट रखा और जैसे जैसे हम उसका कोण बढ़ाते गए उसमें क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट है वो धीरे से नीचे की ओर स्लाइड करना स्टार्ट हुआ। जिस कोण पर वो सतह नीचे की ओर स्लाइड करना स्टार्ट होता है उसी कोण को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। मीन्स जैसे कि हमने लिमिटिंग का केस देखा था, लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस देखा था, एग्जैक्टली वैसा ही एक ऐसा कोण का मान जिस कोण के बाद या जिस कोण से वो ऑब्जेक्ट जो है वो स्लाइड करना स्टार्ट होता है तो उस कोण को हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज या फिर विश्राम कोण। सॉरी, यहां पर ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे स्लाइड करना स्टार्ट क्यों होता है, ये होता है अपने वेट के कारण। और वो वेट कितना होगा इसके लिए हमें कंपोनेंट ब्रेक करना सीखना होगा। फोर्स को उसके कंपोनेंट में कैसे तोड़ते हैं, जैसे कि हमने यहां पर देखा कि यदि कोई दो फोर्स दिया है F1 और F2 उसका रिजल्टेंट हम कुछ इस तरीके से निकालते हैं। तो मान लो कोई फोर्स F दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता हुआ थीटा, यहां पर दो बल दिए थे तो हमने उसका एक परिणामी निकाला। अब मान लो हमें यहाँ पे एक बल दिया है, इसके दो अलग अलग अक्ष पे यदि हमें इसके कंपोनेंट घटक ज्ञात करने हैं तो कैसे ज्ञात करेंगे, जिसके साथ ये थीटा लगा होता है आप सीधा सीधा F और उसके साथ कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर दो और उसका जो ऑपोजिट होगा उसमें साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दें। और ये सिंप्लीफाई कैसे होता है, यदि हम इस वाले फोर्स को यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर किया था तो ये फिर वापस एक ट्रायंगल बन जाता है और जब ये वापस ट्रायंगल बनेगा फिर इसमें साइन थीटा और टेन थीटा का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो ये वाला हमें क्या मिलेगा एफ साइन थीटा और ये वाला हमें मिल जाता है एफ कॉस थीटा। और ये जो कर्ण जो है ये क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट हमें पता है कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, तो ये हमको क्या मिल जाएगा f cos थीटा का स्क्वायर प्लस f sin थीटा का स्क्वायर बराबर ये फोर्स क्या है हमारा f उसका स्क्वायर। यहाँ से हम देखेंगे f स्क्वायर इसमें और f स्क्वायर इसमें कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर f स्क्वायर थीटा और इसका मान कितना होता है एक, तो टोटल हमको क्या मिल गया f स्क्वायर और बराबर में f स्क्वायर, दोनों पक्ष हमारा बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। मतलब हमने ये जो आंसर इसका जो निकाला है, जो कंपोनेंट हमने जो निकाला है f cos थीटा और f sin थीटा, ये हमारा करेक्ट है। तो कभी भी हम देखेंगे कि कोई भी फोर्स होगा उसका यदि हमें कंपोनेंट फाइंड करना होगा तो जिसके साथ वो कोण बना रहा होगा उसमें हम सीधा सीधा cos थीटा मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके ऑपोजिट मीन्स उसके 90 डिग्री में जो होगा उसमें sin थीटा अप्लाई कर देंगे। उसी तरीके से हम देखते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट का हमेशा वेट जो है वो तो अर्थ की ओर ही लगेगा, मीन्स ये mg नीचे की ओर ही लगेगा, लेकिन इस सतह पे 90 डिग्री का लाइन कुछ ऐसा बनेगा जो इस सतह पे 90 का कोण बनाता हो। यदि यहाँ पर थीटा बना है तो ये वाला कोण भी थीटा बनेगा, अगर ये थीटा बनता है तो इस पर टोटल 90 डिग्री का एक ये और इसी पर लंबवत लाइन ये दो घटक हम इस mg के तोड़ लेंगे क्योंकि ये नीचे की दिशा में है तो इसलिए ये भी नीचे दिशा में होगा mg, ये थीटा इसके साथ जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा cos थीटा और इसके ऑपोजिट में ये हो जाएगा mg sin थीटा, डायरेक्शन इधर है इसलिए इसका भी डायरेक्शन नीचे की ओर है। तो यही mg sin थीटा जो है, mg तो जो था वो कॉन्स्टेंट था, sin थीटा में थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ते जाता है sin थीटा का मान भी बढ़ते जाता है। हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि थीटा का मान बढ़ने से sin थीटा का मान भी बढ़ते जाता है, इसीलिए जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता गया mg sin थीटा का मान बढ़ता गया और sin थीटा के मान बढ़ने से mg sin थीटा टोटल का वैल्यू बढ़ता गया और जैसे ही mg sin थीटा का मान ज़्यादा होता है ये जो ऑब्जेक्ट है अपने ही वजन के कारण नीचे की ओर स्लाइड करना स्टार्ट करता है। ये तो था हमारा एंगल ऑफ रिपोज के बारे में। इसी एंगल ऑफ रिपोज में एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, यदि संतुलन की अवस्था होगा मतलब इक्विलिब्रियम का केस होगा तब की कंडीशन में कितना फोर्स अप्लाई किया जाए,
अब इस केस में देखेंगे कि इसकी संतुलन अवस्था में बनाए रखने के लिए कितना फोर्स अप्लाई करें, mg। और ये हो जाएगा mg cos थीटा, इस डायरेक्शन पे मिलेगा mg साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारा रिएक्शन फोर्स आर। ऑब्वियसली मोशन अगर इस डायरेक्शन पे होने होने वाला है तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन पे लगेगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन पे लगता है, संतुलन की यदि अवस्था होगी तो वहाँ पर क्या मिलेगा हमें, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन पे लग रहा है और अगर इसको हमें नीचे जाने से रोकना है तो हमारा अप्लाइड फोर्स जो होगा वो भी इसी डायरेक्शन पे होगा। यहाँ पर हम ये देखते हैं संतुलन की अवस्था यदि है तो वर्टिकल फोर्स का एल्जेब्रिक समेशन जो होगा वो जीरो होगा, मीन्स इन दोनों का एल्जेब्रिक समेशन वर्टिकल, वर्टिकल मतलब ऐसे खड़ी लाइन का। डायरेक्शन हम कैसे लेते हैं, किसी एक दिशा को अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो उसके अपोजिट को निगेटिव लेंगे, अपर को यदि पॉजिटिव ले रहे हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव लेंगे। तो इस हिसाब से अगर आर को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो एम जी कॉस थीटा को निगेटिव लेंगे, एम जी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा शून्य, तो आर बराबर एम जी कॉस थीटा, एक कंडीशन मिल गया। वैसे ही दूसरा कंडीशन यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, अगर इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो पी प्लस एफ ये दोनों एक दिशा पे लग रहे हैं, बराबर कितना होगा एम जी साइन थीटा। यदि एंगल ऑफ रिपोज के केस में ही देखते हैं, जब फोर्स अप्लाइड नहीं कर रहे हैं तब की केस में ये पी नहीं होगा तो डायरेक्टली हमें क्या मिलेगा, एफ बराबर एम जी साइन थीटा। और यदि हम फोर्स अप्लाई करेंगे, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यदि हम फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, यदि पी अप्लाई नहीं कर रहे हैं तब की केस में एफ बराबर एम जी साइन थीटा हो जाएगा, लेकिन यदि हम पी अप्लाई करेंगे तब की केस में क्या हो जाएगा, पी प्लस एफ बराबर एम जी साइन थीटा। और यहाँ पे पी बराबर कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस एफ, और एफ का वैल्यू क्या होता है, म्यू इंटू आर, तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू और आर का मान कितना है, एम जी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। दोनों जगह से कॉमन निकाल देंगे तो एम जी बाहर आ जाएगा, नीचे में आएगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, तो इतना बाह्य बल हमें लगाना पड़ेगा इस केस में कि इसमें स्लाइड ना हो। तो एक बार हम जब भी ऐसा फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन का कंडीशन चाहे जैसा भी हो हम इसको रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करने के बाद जो भी डेटा दिया जाएगा उसको पुटअप करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। मेनली जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं वो इस स्थिति में नहीं पूछा जाता, आईटीआई के लेवल में या तो विश्राम कोण तक पूछा जाता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आते हैं वो हमारे इस स्तर पर आते हैं, डायरेक्टली डायरेक्टली या फिर सीधा इस ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या एफ इज इक्वल्स टू म्यू इंटू आर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और टाइप देखते हैं इसी में, दो कंडीशन है, एक जहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो अप्लाइड फोर्स है बाह्य बल जो है वो हॉरिजॉन्टली लग रहा है, तो अगर संतुलन की स्थिति होगा तो संतुलन की स्थिति में यहाँ पर आर माइनस एम जी जो होगा शून्य के बराबर होगा, तो आर बराबर हम एम जी निकालेंगे। वैसा ही दूसरा कंडीशन क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल फोर्स जो होगा उसका भी योग जो है वो शून्य के बराबर होगा, मीन्स पी माइनस एफ बराबर शून्य होगा, तो P बराबर F होगा और F का मान क्या होता है, म्यू इंटू आर, और R का वैल्यू है एम जी। तो इस कंडीशन पे हमें कितना बाह्य बल लगाना पड़ेगा, म्यू इंटू एम जी, इसको संतुलन की अवस्था में रखने के लिए। अगर फोर्स जो है वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन पे लग रहा है तब, यदि फोर्स जो है अगर वो थीटा कोण बनाकर लगाता है तब की कंडीशन पे क्या होगा, इसके दो कंपोनेंट तोड़ेंगे, एक कंपोनेंट इधर आएगा P cos थीटा और एक ऊपर की ओर जाएगा पी साइन थीटा। अब हम देखते हैं वर्टिकल फोर्स को यदि हम शून्य करते हैं, एल्जेब्रिक समेशन यदि हम जीरो करते हैं तब क्या होगा, ऊपर की ओर दो बल लग रहे हैं आर और एक और लग रहा है पी साइन थीटा, बराबर में लग रहा है एम जी, तो आर बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, एम जी माइनस पी साइन थीटा, एक केस। दूसरा जो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स को यदि हम जीरो करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा
जो पी कॉस थीटा है उसमें माइनस एफ करने से शून्य होगा, तो यहाँ पे एफ बराबर कितना हो जाएगा, पी कॉस थीटा, इस तरीके से। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स या अप्लाइड फोर्स जो होगा यहाँ पर वो किसके बराबर होगा, पी जो है वो एफ बाई कॉस थीटा, कुछ इस तरीके से केस बनेगा। तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि आर का मान जो होता है वो हमेशा एम जी के बराबर ही होगा। वो किस पर डिपेंड कर रहा है कि यहाँ हम देख रहे हैं कि अप्लाइड फोर्स कैसा है। यदि अप्लाइड फोर्स जो है उसका भी अगर घटक हमको तोड़ने से मिलता है तो उस हिसाब से हमारा जो आर का जो मान है वो चेंज हो जाएगा। अगर इसका डायरेक्शन इधर होता तो ऑपोजिट ये जो है पी साइन थीटा का डायरेक्शन भी नीचे हो जाता, तो यहाँ पे एम जी के साथ वो प्लस में मिल जाता। तो जैसा कंडीशन दिया जाएगा, जैसा डायरेक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। बस ध्यान पे ये रखना है कि हर बार हम रट के नहीं जाएंगे कि आर का मान जो होता है वो एम जी के बराबर जाएगा, उसके हिसाब से आर का वैल्यू निकलेगा। जैसा कंडीशन दिया जाएगा उसके हिसाब से जो बाह्य बल कितना लगाना है हमें उसका मान वेरी करता जाएगा। तो ये तो था कि कैलकुलेशन पोर्शन फ्रिक्शन में अगर कभी आता है तो उसको हम किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं। बेसिकली इसके बाद इसके जो कुछ टॉपिक हैं उसमें ये बताया गया है कि फ्रिक्शंस को कम कैसे किया जाता है, क्योंकि डेली लाइफ पे देखें तो कहीं कहीं पे फ्रिक्शन जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद है। हम बात करें कि फ़ायदेमंद कहाँ पर है, जैसे कि हमारा जो चलना है वो किस किस कारण आसान हो पाता है, फ्रिक्शन के कारण हो पाता है। अगर बेल्ट और पुली जो हमारे सिस्टम जो काम कर रहे हैं वो किसके चलते काम कर पा रहे हैं, तो वो भी फ्रिक्शन के चलते काम कर पा रहे हैं। तो डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे हमारे फ्रिक्शंस हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन उसके साथ साथ फ्रिक्शन जो है हमारे लिए निगेटिव भी है, जहाँ पे हमें उससे हानि होता है। अब हानि कैसे होगा, अगर घर्षण ज़्यादा होगा या घर्षण होगा किसी दो सतह के बीच में तो वहाँ पे ऊष्मा निकलेगा, जब वहाँ पे हीट एनर्जी निकलेगा तो हीट एनर्जी के कारण क्या होगा, वहाँ पे वियर एंड टीयर होगा, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट होंगे उसमें क्षरण होगा, उसकी हानि होगी, उस वो टूटेगा, इस तरीके की जो चीज़ें हैं। अगर कहीं पे फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है तो हमारे लिए चलना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे उसके बहुत सारे निगेटिव्स भी चीज़ें। तो हमें बैलेंस बना के रखना पड़ेगा कि फ्रिक्शन को जहाँ पे जितना ज़रूरत है उसको वहाँ पे उतना ही रखें। तो कहीं पर अगर फ्रिक्शन ज़्यादा है तो उसको हमें कम करना होगा, तो फ्रिक्शन कम करने के लिए हम किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो पहली बात तो यह है कि फ्रिक्शन को कम करने के लिए जैसे कि हमने देखा था कि स्टैटिक डायनेमिक और रोलिंग, तो रोलिंग में कम लगता है, तो हम ऐसे केसेस देखते हैं जहाँ पे हम रोलिंग फ्रिक्शन को यूज़ कर सकें। रोलिंग किस तरीके से यूज़ कर पाते हैं, बॉल बेयरिंग की मदद से। तो हम बॉल बेयरिंग लगाकर फ्रिक्शन को कम करने की कोशिश करते हैं। एक और केस क्या कर सकते हैं, हम लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं। क्वेश्चंस पूछा जाता है कि फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो आंसर क्या होगा हमारा, लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स को दो सतहों के बीच में लगाया जाता है जिसके कारण उसमें जो कॉन्टैक्ट एरिया जो है वो थोड़ा कम होता है, और कम होने के कारण वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कम लगता है। लुब्रिकेंट्स के टाइप हैं, दो तीन टाइप हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक लिक्विड टाइप जो होगा लुब्रिकेंट्स का, लिक्विड टाइप जो होगा वो क्या है, तो उसमें कभी कभी वाटर को भी कंसिडर किया जाता है, जल अगर ऑप्शन में है तो कई बार उसको लिया जाता है। मुख्यतः क्या होंगे, ऑयल जो होते हैं, जो तेल जो होते हैं वो ऑप्शन लिक्विड टाइप पे, लेकिन पेस्ट टाइप भी उसका एक पूछा जाता है। पेस्ट टाइप जो होगा मतलब सॉलिड और लिक्विड का मिक्सअप जो होगा, जिसको ग्रीस कहा जाता है, और थर्ड टाइप होता है उसका सॉलिड। लुब्रिकेंट्स का सॉलिड टाइप में कंसिडर किया जाता है या ठोस अवस्था में कंसिडर किया जाता है ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट जो होता है चिकना, उसकी सतह जो होगा एक दूसरे के ऊपर फिसलन पैदा करता है, इसलिए ग्रेफाइट जो रहता है उसको भी हम लुब्रिकेंट्स के तौर पे यूज़ करते हैं। तो तीन टाइप हो गए हमारे, लिक्विड पेस्ट वाले और एक सॉलिड फॉर्म पे, तो जिसमें किसको किसको यूज़ किए, ऑयल को, ग्रीस को और ग्रेफाइट को। तो इस तरीके से फ्रिक्शंस में बस इतना ही है जिन्हें हमें डील करना है या जिसके बारे में हमें जानना है। तो उम्मीद है आप सबको ये सारी चीज़ें पसंद आया होगा। अगर कोई चीज़ या कोई टॉपिक आपको इसमें से नहीं समझ में आया है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बस इतना ही, धन्यवाद।